आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा। कीमा हरी मिर्ची और प्याज में, जिसको हम खाएंगे और हमको कहीं जाना हो तो सफ़र में हम ले जाएंगे। हमने ये 3 टेबलस्पून तेल डाल चुके हैं। तेल डालने के बाद इसको गर्म होने देना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने 3 से 4 प्याज काट के धो लिए और मिर्ची हरी काट लिए 5 मिर्ची काटने के बाद 3-4 प्याज काटे हैं धो के। अब हम इसको इसमें डालेंगे। हम 400 ग्राम कीमा बना रहे हैं, इसके लिए हमको प्याज थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी। अभी प्याज को हम थोड़ी देर होने देंगे। ये हमारी प्याज होने को आई है। अब हमारी प्याज 2 मिनट में हो जाएगी। प्याज हो चुकी है। ये हमने 400 ग्राम कीमा धो के फ्रेश रखा हुआ था, मटन का कीमा है, इसको हम इस तरह से डाल देंगे। और इस तरह से हम मिला देंगे। यह हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। इस तरह ये मिला देंगे। मिला के थोड़ी स्लो आंच करके हम इसको ढक्कन ढक देंगे। थोड़ी देर कीमे को हमारे धीमी आंच में होने देंगे। पानी छूटेगा और हमारे कीमे को गलने के लिए कुछ टाइम चाहिए। कुछ 5 से 10 मिनट हमारा कीमा धीमी धीमी आंच में एकदम गल जाएगा। बस कुछ इस तरह से हमको रखना है और ढक्कन से इस तरह ढालते हुए गैस को हम स्लो कर देंगे। अब देखिए हमें हमारा कीमा पानी छूट के चुका है। ये देखिए हमारा कीमा हो गया। ये देखिए हमारा कीमा हो गया। हम इसको 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। थोड़ा इसको इसलिए भूनेंगे कि इसके अंदर जो कच्चापन है वो बिल्कुल रहना जाए। हे वो तो तेरी उसकी लाइट कम है, प्लस लाइट जो तेरी लाइट है ना कैमरे की। ये देखिए हमारा कीमा एकदम पक्के तैयार हो चुका है। देखिए हमारा कीमा एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुका है। अब हम इस कीमे के अंदर हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और अगर आप थोड़ा तीखा खाते हो तो आप अपने हिसाब से मिर्ची 2-4 बढ़ा सकते हो। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं जितनी मिर्ची नमक खाती हूँ उतना मैंने ले ली। आप अपने हिसाब से नमक मिर्ची बढ़ा सकते हैं। ये हमारा प्यारा प्यारा कीमा टेस्टी टेस्टी तैयार हो गया। देखिए हमारा कीमा एकदम पक्के तैयार हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे।